अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो कैसे हैं आप सब लोग? क्या हो रहा है आजकल? हम लोग तो बस यही कर रहे हैं, खाना पीना, बस खाना पीना और कुछ भी नहीं कर रहे, या मूवी देखना, खाना पीना। तो आप लोगों का ये लॉकडाउन कैसा चल रहा है? मैं तो बहुत बोर हो गई हूँ, खाई खाई तुनी तुनी तो मोटे हो गए हैं सारे, ते हूँ बार भी ना गच्छी सकने, क्या करा। चलो कोई गल नहीं, तो मैं आज बनाई सी माशनी दाल। तो देखो मैं माशनी दाल बनाई तो किसी भी नहीं खा दी, यानी कि किसी ने भी माश की दाल नहीं खाई है, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं खाती हूँ और मेरे हस्बैंड खाते हैं, इसके अलावा तो कोई भी नहीं खाता। तो बच्चों ने कहा है जी हमने खाना है पेपेस, तो वो हम फिर लेकर आ गए थे। देखें कितने मज़ेदार, कितने मज़ेदार, ये देखें देखने में भी कितने मज़ेदार लेंगे। और आगे आगे देखें आपके मुंह में आएगा पानी। और ये देखें यमी यमी किस्म का ये भी था, और ये ग्रिल किया हुआ था इसलिए इतना नहीं, लेकिन इसके ऊपर जो बन है वो तो ज़ाहरी बात है, फिर उसके साथ तो बना मोटा होता ही है। ऊपर से ये देखें ये बर्गर रैप और ये चीज़ें लेकर आए थे, बहुत ही ज़बरदस्त यमी किस्म का स्पाइसी स्पाइसी था। तो बस यही चल रहा है, आप लोगों का भी ऐसे ही कुछ दिल करता होगा बाहर से खाने का, बाहर बैठ के खाने का दिल करता होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं, आप बाहर से ला के घर ला के भी आप खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं ऐसे मज़े मज़े के फूड। लेकिन वैसे ज़्यादातर कोशिश यही करेंगे घर में पकाएं और घर में ही खाएं, क्योंकि बाहर का कोई पता नहीं होता। लेकिन यह है कि मेरे बच्चों का बस दिल था और मेरी सिस्टर है उसका भी बहुत ज़्यादा दिल था, तो इसलिए फिर हम लेकर आ गए। तो फिर हमने ये खाने के बाद हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मीठा हो जाए, तो मेरी सिस्टर ने बनाए हैं जी, क्या वो आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता। तो ये देखिए मेरी सिस्टर बना रही थी जी बेसन के लड्डू, तो असा ने कारना देसी घ्यो थोड़ा काटा सा, तो इस वजह ना जितना प्याज था तो मैं बाई छोड़िया, तो बीच उसी बाई छोड़िया मैं ऑयल, तो ऑयल की थोड़ा जहाँ करी यानी कि गर्म और घी भी, ताकि वो अच्छे तरीके से थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। और उसमें हमने देसी घी, अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं देसी घी, ऑयल ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। तो लेकिन मेरे पास ये थोड़ा सा था तो वो मैं डाल दिया, तो फिर और बाद में लेकर आई फिर हम लोग। तो उसमें हमने डाल दिए हैं जी बेसन, बेसन को डाल के अब इसको अच्छे तरीके से भून लें। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़ जी, जब हम लड्डू बना रहे थे ना तो मेरा ये छोटा बेटा ही आपको नज़र आएगा, ये इतने गौर से देख रहा था जैसे इसी ने रेसिपी बनानी है और यही सीख रहा है कि मैंने क्या क्या करना है। तो ये देखें नज़र तो आपका आ रहा होगा, बड़ी गौर से देख रहा है कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड हो रही हैं, कैसे चमचा मेरी माँ मार रही है या मेरी खाला कैसे चमचा हिला रही है, उसमें गौर से देख रहा है। तो ये देखें जी नज़र आपको आ रहा होगा, तो ऐसे लग रहा है कि बस इसी ने ये रेसिपी सीखनी है और इसी ने ये कुछ बनाना है और इसलिए ये गौर से देख रहा है। तो अब मैंने इसमें बेसन में जो है ना थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें डाल दिया था जी इलायची, मैंने इसमें डाल दी थी इलायची पाउडर मैंने इसमें डाला था, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू रह जाए और मज़ेदार किस्म की खुशबू के साथ आप जब इसको बनाएंगे तो और ही आपको अच्छा लगेगा। और उसमें जितने भी ड्राई फ्रूट हैं आप उसमें डाल सकते हैं, जो आपका दिल करता है वो डाल दें। तो मैंने इसमें डाले थे जी बादाम डाले हैं, अखरोट डाले हैं और कैशू डाले हैं इसके अंदर, वो डाल के मैंने इसको देखिए अब तिमका मारा है पानी का, ताकि जो है ना ये थोड़ा सा अच्छे से हो जाए मज़ीद। और ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी जी शुगर, शुगर आप जो है ना आपने अगर घर में जो पड़ी है शुगर वो भी आप डाल सकते हैं पीस के, ग्राइंडर में पीस लें उसको तो आप उसमें डाल सकते हैं। मैंने आइसिंग शुगर डाली है जो पहले से पीसी हुई थी, वही मैंने इसमें ऐड की है। और उसके बाद मैं इसको मिक्स करके थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो उसके बाद क्या करना है, करना क्या है, आप ऐसे भी खा सकते हैं और लड्डू बना के भी खा सकते हैं। तो मैंने बनाए हैं जी लड्डू, तो ये देखें कितने मज़ेदार किस्म के लग रहे हैं जी लड्डू खाने में, वाह जी वाह मज़ा आ गया। तो आप लोग भी बनाएं खाएं, बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे ये सर्दियों में खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आप जब आपका दिल करे मीठा खाने का तो आप ये आसान सी रेसिपी ट्राई करके तो आप खा सकते हैं मज़ेदार किस्म के। ये देखें तैयार हुए हैं, तो बना के खा के मुझे ज़रूर बताइए कैसे लगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी या मेरा ये व्लॉग या मेरी बकबक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।